के देखने में एकदम पान की तरह दिखाई दे रहा है और वाकई में उसका स्वाद बहुत ही नाचता हो गया। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसके चलते लोग खरीदारी में जुट गए हैं। वहीं दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई देने की परंपरा है, ऐसे में लोग मिठाई की दुकानों का रुख कर रहे हैं। दुकानों पर कई तरह की स्पेशल मिठाई मौजूद है। वहीं बनारस की शान कहे जाने वाले पान को भी लोग मिठाई के रूप में आजकल खरीद रहे हैं। काजू की लेयर से तैयार यह पान वाकई बेमिसाल है, जिसे लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कैसे बनाया गया है ये स्पेशल पान और कितनी है इसकी कीमत, आइए जानते हैं। मेरे यहाँ सारे ही मिठाई खास हैं, जैसे कि इस बार हम लोग ने पान पे एक बनाई है मिठाई, काजू और पान के बेस पे, जो कि पूरा आपको बनारसी पान का एक टेस्ट देता है। क्या क्या चीजें इसमें डाली हुई? इसमें आपका गुलकंद है और भी पान के जो सारे सामग्री होते हैं सारे उसमें डाले हुए हैं। किलो से शुरू है ये 1100 रुपए किलो का है जी। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गरिमा दादी है। गरिमा जी, आज आप यहाँ मिठाई लेने आई हैं। यहाँ की एक मिठाई बहुत फेमस है पान की, क्या है ये मिठाई खास, इसमें क्या पड़ा होता है और दिवाली में ये खास बनाई जाती है, वजह क्या है? जी वाकई मैं आपको बताना चाहती हूँ मिठाई के बारे में, जो की बहुत ही फेमस है और ये आपको मिलती है सिर्फ राजेश स्वीट्स में, और ये साल में बस एक ही बार मिलती है दिवाली के समय में, जो कि पूरा आपका प्रॉपर फ्लेवर इसमें होता है बनारसी पान का। बनारसी पान जैसे कि आप जान रहे हो बहुत ही फेमस है, तो सेम टू सेम इसका फ्लेवर वैसा ही होता है। ये देखिए देखने में एकदम पान की तरह दिखाई दे रहा है और वाकई में इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।